मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ट्रस्ट की घोषणा भी हो गई है। मानी राम मंदिर का मार्ग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार प्रशस्त भी हो रहा है। मेरी मांग है कि राम मंदिर जो बनने जा रहा है उसमें चार महापुरुषों का योगदान है, पर चारों अपने जीवन में राम मंदिर नहीं देख पाए और ये चारों के कारण राम मंदिर को नेतृत्व मिला, मंदिर बनने जा रहा है और 1984 में दो सीटों से भाजपा सत्ता में आई, वह चारों को भारत रत्न देकर सरकार उनका सम्मान करे, यह राम मंदिर बनाने में नेतृत्व देने वाले चार महापुरुष बाला साहेब ठाकरे, अशोक जी सिंगल, 48 में मूर्ति प्रगति तब से आंदोलन करने वाले अयोध्या के महंत रामचंद्र परमहंस और गोरख पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी, राम मंदिर आंदोलन जब शुरू किया तब पहली बार समिति बनी, उसका नाम था राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति, उनके अध्यक्ष महंत अवैधनाथ जी बने थे, तब नेतृत्व लेने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। तो मेरी मांग है कि चारों को भारत रत्न देकर देश में हिंदू नवजागरण, हिंदू रहने सा खड़ा करने वाले ये चार महापुरुषों का भारत सरकार सम्मान करे कि राम मंदिर की नींव में सैकड़ों राम भक्त का बलिदान का रक्त और लाखों राम भक्त का पसीना पड़ा है, वह मेमे करने वाले याद रखे। और जैसे सोमनाथ मंदिर के प्रारंभ में द्वार में सोमनाथ मंदिर के लिए बलिदान देने वाले, 5 शताब्दी पहले बलिदान देने वाले एक वीर योद्धा था हमीर सिंह गोहिल, उनकी समाधि के दर्शन करने के बाद भी सोमनाथ के दर्शन होते हैं। और इस समय मंदिर बनाने वाले सरदार पटेल, पहले दोनों के नमस्कार होते हैं फिर सोमनाथ भगवान के दर्शन होते हैं, इसलिए मेमे करने वाले जिस राम भक्तों का रक्त वहां बहा है, कम से कम उन वीरों की श्रद्धांजलि का स्मारक भी राम मंदिर के प्रवेश में बने तो समाज हमेशा प्रेरणा लेता रहेगा।